शांत हो जा गुड्डू। तूने गिन्नी को आखिरी बार कहाँ देखा था? हम साथ में ही सोए थे, बगल में सोई थी हमारे वो, लेकिन रात को वो कब भाग गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे गलती हुई थी तो मुझे बता दी, मैं माफी मांग लेता उससे, लेकिन उसको ऐसे भागने की जरूरत नहीं थी। रिलैक्स। क्या लगता है पल्लक, कहाँ गई होगी? मुझे तो लगता है ना इसी ने छुपाया है, और अब देखो कैसे ढोंग कर रहा है। ढोंग कर रहा हूँ मैं? गुड्डू सुन मेरी बात। मुझे तो लगता है तूने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तू यहाँ आई है तू ही उसके कान भर रही है गुड्डू, और तू ही भड़का रही है। गुड्डू सुन मेरी बात, देख यहाँ से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे वरना। देखा देखा इसका, मुझे पहले से पता था कि इसे ने सब कुछ किया हुआ है। आ गया ना तेरा सच सबके सामने। सच मेरा नहीं तेरा आया है सामने। ये हथियार हमें कल रात को हमें सीढ़ियों के पास से मिला था, और इसी हथियार से गिन्नी पर हमला हुआ है। तू पागल हो गई है क्या? गिन्नी पे कोई हमला नहीं हुआ था, वहम था उसका, वहम। कोई वहम नहीं था, वो सच कह रही थी। इस चाकू में उसके कपड़े के धागे थे। पलक सच कह रही है, मैं भी वहां मौजूद था। महक, तन्मय, हम सब यहाँ सेफ नहीं है। हाँ जो गिन्नी के साथ हुआ है ना वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसका मतलब गिन्नी भागी नहीं है, गायब हुई है। इसका मतलब बात कुछ और है। पलक तुम उसके लिए इतना सेंटी क्यों रही हो? लेट इट गो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मर्दों को ना लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं आया वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है। तन्मय, किन्नी की जगह मैं भी हो सकती थी। सो प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, और अगर नहीं कर सकते ना तो दूर रहो। आई एम बेगिंग यू। अरे पलक सुनो तो। अरे रुको, पलक इतना परेशान रहती है और गिन्नी भी गायब है, देखना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है लव हॉस्टल में। अपने कमरे से बाहर मत निकल, दे दिया है, सब बेहोश पड़े हैं। और जीनियस आएगा तो सबको एक एक करके मार देगा।